हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति सिंह एंड यू आर वाचिंग प्रीतिज क्रिएटिव वर्ल्ड। जी नहीं, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। अब मेरे चैनल का जो नाम होगा, जो हमेशा रहेगा, परमानेंटली रहेगा, वो है क्रिएटिव प्रीति सिंह। मुझे मेरा पूरा नाम चाहिए था, तो वो पुराना जो नाम था चैनल का वो थोड़ा कॉमन था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट नाम लिया है, क्रिएटिव प्रीति सिंह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हो तो। और हाँ, कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ अलग लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने कल बनाया था ये, और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने स्टोरेज बॉक्स को कुछ डिफरेंट बनाऊँगी, कुछ अलग बनाऊँगी, क्योंकि सब क्या करते हैं कि इसको क्या बनाते हैं, मोस्टली सब बनाते हैं इसको ज्वेलरी बॉक्स। मैंने भी देखा कि चलो मैं भी एक मतलब ज्वेलरी बॉक्स बनाती हूँ, तो अच्छे से मतलब टाइम भी बच जाएगा और देखो बन गया। बट ऐसा नहीं है, वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, अब देखें कि मैं इस स्टोरेज बॉक्स को मैं चालू देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ कैंडल्स, जो दिवाली पे हमने कैंडल्स जलाई थी, ये उन्हीं के ही पीसीज हैं, ये हमने यूज़ किए थे, तो उसके बाद मैंने इनको क्लीन करके रख लिया था अपने पास, फेंके नहीं थे। तो देखो आज ये काम आ गया है। तो इनको मैं फेविक्विक से स्टिक करूँगी वन बाय वन करके, और एक अच्छे से मतलब जो मेरा बॉक्स है वो रेडी हो जाएगा। देखिए ऐसे मैंने इनको फेविक्विक से चिपकाए हैं और बहुत अच्छे से चिपक गए हैं। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसमें करने वाली हूँ वाटर कलर्स की ट्यूब्स को मैं इसमें खाली करने वाली हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं अपने इस स्टोरेज बॉक्स को बना रही हूँ वाटर कलर स्टोरेज बॉक्स। हाँ, क्योंकि ट्यूब से कलर निकालने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कितना कलर चाहिए मुझे, मतलब ऐसा होता है कि ना मुझे ना क्वांटिटी समझ में नहीं आती और मेरी पूरा कलर ख़राब जाता है। अब ये ओपन रहेंगे ना, जितना मुझे कलर लेना होगा मैं उतना कलर ले लूँगी, और देखो ये ख़राब भी नहीं होते, सूखते भी नहीं, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पहले जैसे हो जाएंगी ये। तो देखिए आपको कैसा लगा ये मेरा आइडिया, और इसका फाइनल लुक अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक है ये। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी और मेरा ये आइडिया आपको अगर पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, और ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरेज बॉक्स का फाइनल लुक? आई होप कि आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसको ज्वेलरी बॉक्स ना बना के मैंने इसको बनाया है वाटर कलर बॉक्स, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को समझ सकता है। तो फिर मैंने इसको बनाया वाटर कलर बॉक्स, यानी कि गिरेगा भी नहीं, क्योंकि इसको मैंने फेविक्विक से स्टिक किया है। तो ये तो बनके तैयार हो गया मेरा प्यारा सा क्यूट सा वाटर कलर बॉक्स, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ट्यूब से निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी मुझे कलर्स। तो इसी के साथ ये मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक इट, यू इन्जॉयड। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।